मेरा नाम जोगिंदर सिंह है. मेरे फादर हैं सुबेदार ओम सिंह. इनको 13 तारीख को दिक्कत हुई थी. इनके पेट में इन्फेक्शन था, इनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में भी इन्फेक्शन था. तो हमने 13 तारीख को इनको काइनोस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था डॉक्टर आनंद कुमार यादव के नेतृत्व में. तो उन्होंने उनकी टीम ने इनको देख के 13 तारीख को शाम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया रूम से, और लगभग 18-19 तारीख तक आईसीयू में रखा. अभी वार्ड में शिफ्ट हैं रूम में, और अच्छे से इनका इलाज हुआ. अभी ठीक हैं. आज इनको छुट्टी मिल जाएगी जो डॉक्टर ने हमारे को बताया. और जो हमने यहाँ देखा हॉस्पिटल में, तो दो तीन चीज़ें होती हैं. एक तो यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सफाई, बिहेवियर, मोटिवेशन, जो डॉक्टर का बातचीत का तरीका, उनका मोटिवेशन का तरीका. इलाज तो सब करते हैं, लेकिन इलाज के साथ जो मोटिवेशन करते हैं ना, वो बड़ा बढ़िया लगा. दूसरी बात, जो यहाँ का स्टाफ है बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है. आके नमस्ते अंकल, कैसे हो, और जितना भी जो चीज़ें देखी ना, वो मरीज को सेटिस्फेक्शन करने वाली. और देखो, जब बीमार होता है ना आदमी, तो उसको चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन इन इस तरह का बिहेवियर होने से ना, कोऑपरेटिव बिहेवियर होने के कारण मतलब अच्छा लगता है मरीज को भी. और वो कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि हम भाई मरीज को दवाई देने से ज़्यादा परहेज की जरूरत है, तो यहाँ जो इलाज के साथ जो मोटिवेशन और जो बिहेवियर ना, वो बड़ा काम कर रहा है. तो हम समझते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं हैं, और हर तरह की सुविधाएं हैं, और हर तरह की फैसिलिटी होने के कारण, यहाँ साफ सफाई होने के कारण, साफ सफाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है. टाइम टू टाइम पट्टी करना, भाई जो भी दवाई देना, सफाई, खाना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं. तो हम तो ये कहेंगे कि अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी सुविधाएं हैं.